ब्लॉग पर। गाइस आप सब कैसे हो? ठीक ही होगे, आई होप सब ठीक होगे। लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ी सी, थोड़ा जुकाम हो गया है। उस दिन बाहर नदी में नहा दी थी ना, तो इसलिए हो गया। थंबनेल देखकर तो कुछ लोगों को ये लगा होगा कि बेबी हमेशा के लिए जा रही है, हाय अब बोर होने से बच गए। पर मैं ऐसे कैसे छोड़ूंगी, मैं इतनी जल्दी छोड़ने वालों में से नहीं हुआ। मैं पकड़ के रखूंगी आप लोगों को, और मेरी वीडियो आप लोगों को दिखाती रहूंगी, बोर होते तक दिखाऊंगी। और अगर अच्छी ना लगे ना तो अनलाइक कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, पर देखिएगा जरूर। फ्रेंड्स, मैं इसलिए वीडियो बनाई हूँ क्योंकि हम लोग घर जा रहे हैं, अब घर से आने के बाद में वीडियो डालूंगी तो मैं बनाती रहती हूँ। एक दिन भी मेरा फोन फुर्सत से नहीं रहता है, ना ही मैं फुर्सत से रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आराम हमें करनी ही नहीं चाहिए। आराम तभी करो जब आप खाना खाओ, खाले टाइम पे बिना सिर दर्द हुए आप अगर आराम करना चाहते हो तो आप एक नंबर की आलसी हो। और मैं आलसी बिल्कुल भी नहीं होना चाहती, आराम हराम लगता है मुझको, तो मैं आराम तभी करती हूँ जब सच में मुझे आराम की ज़रूरत होती है। जैसे कि खाना खाने के बाद मुझे सोना बहुत ज़रूरी होता है, आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। और आराम करोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी थोड़ी नींद आ ही जाती है, तो मैं सो भी जाती हूँ। दोपहर के खाना खाने के बाद मुझे अक्सर नींद आती ही है, और अभी तो नन्हे मेरे बेटे की वजह से मैं सो नहीं पाती, वरना मेरा आदत था कि खाना खाने के बाद हमेशा सोना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी टाइम मिले। तो गाइस आप लोगों को बाय बोलने के लिए मैं वीडियो बना रही थी। आने वाला वीडियो जो है 4-5 दिन बाद ही आए, या फिर उससे पहले भी डाल सकती हूँ अगर टाइम मिला तो, और अगर नहीं टाइम मिला तो 4-5 दिन बाद ही मिल पाऊँगी आप लोगों से। अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी तो मेरी वेट कीजिएगा, ऐसे भाग मत जाइएगा मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा रही हूँ। मैं अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने जा रही हूँ, क्योंकि घर जाना भी ज़रूरी है, वहाँ पर बहुत ज़रूरी काम है। हमारे बिना भी हो सकता है वो काम, लेकिन हम लोग अगर सब कोई साथ में रहेंगे ना तो वो जो काम होने वाला है उसमें उसकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। हम सब साथ रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, ये घर घर जैसे लगता है। अगर हम घर पर नहीं रहेंगे और घर में कोई कार्यक्रम चलेगा, हमारे बिना उसकी खुशी जो है कुछ कम ही हो जाएगी। इसीलिए उसको पूरा करने के लिए हमें भी जाना ज़रूरी है और बाकी सब लोगों का आना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यही है आज के वीडियो बनाने का मोटिव, यही था कि आप लोगों को बताना। मैं जा रही हूँ कुछ दिन के लिए, हो सके तो हम जो त्यौहार आता है ना छेरछेरा का त्यौहार, हमारे छत्तीसगढ़ वाले जानते हैं, छत्तीसगढ़ के अलावा और कहीं भी जाते शायद छेरछेरा नहीं मनाते हैं, छत्तीसगढ़ वाले तो जान ही रहे हैं कि छेरछेरा त्यौहार कितना इंजॉयफुल वाला त्यौहार है, कितना अच्छा बच्चों का त्यौहार है, कितना मज़ा आता है छेरछेरा के त्यौहार में, और कितने चाव से मनाते हैं लोग। गाँव वाले शहरों में तो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गाँव में इस दिन का बच्चे बेसब्री से वेट करते रहते हैं। और ये दिन जैसे ही आता है उस दिन सुबह जल्दी उठ के रेडी हो जाते हैं धान त्यौहार मनाने के लिए। हम लोग कुछ दिन के लिए जा रहे हैं और उस बीच में शायद वीडियो ना आए, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ आप लोगों से, मेरी वीडियो का वेट करना। कुछ दिन बाद में जब वापस आऊँगी तो मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊँगी, शायद आपको देखने में अच्छा लगे, आपके फोटो पर मुस्कुराहट आए, आपके फोटो पर स्माइल आए। गाइस, मैं किसी न किसी तरीके से आप लोगों को खुश करना चाहती हूँ। डेली लाइफ में जीते रहते हैं, हम उस लाइफ से बोर हो चुके रहते हैं। हम जब दूसरों की लाइफ को देखते हैं ना तो हमको थोड़ा अच्छा लगता है। मैं खुद देखती हूँ, हम सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। मैं खुद दूसरों की वीडियो देखती हूँ, दूसरों की लाइफ को देखती हूँ, तो उनसे मोटिवेट होती हूँ, उनके अच्छे अच्छे जो काम है, अच्छे अच्छे जो लोग करते हैं, सबको अपने अंदर लाने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी ऐसा करो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो आप लोगों से ज़्यादा मैं खुश होती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग लाइक करते हो, लाइक को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और बात बता दूँ आप लोगों को कि मेरे सब्सक्राइबर 100 से ऊपर चले गए हैं, 100 से ऊपर, और मुझे उस चीज़ की भी बहुत खुशी है। मुझे कितना महीना हो गया, लगभग 3 महीने हो गए, और आज 3 महीने बाद 100 सब्सक्राइबर मुझे मिल गए, और उनमें से कुछ मेरे अपने ही हैं जिनको मैं साथ रिक्वेस्ट कर करके बोली थी मुझे सब्सक्राइब कर लो, मेरा वीडियो देखो, जाने क्या क्या क्या। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में जब हम वहाँ घर से आ जाएंगे। इस बीच में देखते हैं, वीडियो अगर डाल पाती हूँ तो डालूँगी, नहीं तो
तो नहीं डालूंगी क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की कमी होती है, नेटवर्क होता ही नहीं है, नेटवर्क के लिए छत पे जाना पड़ता है और इतनी ठंड में, गांव में तो और भी ठंडी पड़ती है, तो हो सके तो मैं शायद डाल ही ना पाऊँ। अगर डालूँ तो देख ही लीजिएगा, अगर नहीं डालूँ तो वेट कीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगी नई वीडियो लेकर। और नेटवर्क होती ना तो मैं डेली डाल देती, पर अभी नहीं डाल सकती क्योंकि वहाँ नेटवर्क ही नहीं होता है। और एक बात यह है कि गाँव में मैं बिज़ी भी रहती हूँ काफ़ी, तो मुझे टाइम थोड़ा सा भी मिलता है ना, तो दोपहर में मिलते हैं खाना वाना खाने के बाद, चाहे कुछ भी हो, खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा सा ये करना होता है, और उसके बाद थोड़ा सा ही, ज़्यादा टाइम नहीं, एक दो घंटे भी अगर अच्छे से बिना डिस्टर्ब के ऐसे कर ली तो सब ठीक हो जाता है, फ्रेश हो जाती हूँ मैं, फिर से फ्रेश हो जाती हूँ सुबह की तरह। और अगर ऐसे नहीं कर पाई ना तो मुझे बहुत थकान लगती है, बहुत नींद आती रहती है, शाम को खाना खाने का मन नहीं होता, जल्दी सोने का मन होता है, इसीलिए दोपहर में भी थोड़ा खाना खाने के बाद आराम चाहिए ही होता है किसी भी हालत में। हाँ, ज़्यादा बिजी रहती हूँ तो नहीं सोती हूँ, बाकी थोड़ा सा भी अगर मुझे टाइम मिले ना तो मैं ज़रूर सो जाती हूँ। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा आप सबको।